मूवी की शुरुआत में हमें एक रेसर और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आपस में किस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक जॉम्बी उन पर अटैक कर देता है जिससे वो लड़की पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और जॉम्बी उसे मार देते हैं। तभी वहां पर उन लोगों को पता चलता है कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है और कुछ लोग ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। तभी वो अपनी रेसिंग कार को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर हम एक सार्लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठी होती है। तभी उस पर एक जॉम्बी अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने कार से बड़ा सा चाकू निकाल कर उस पर अटैक कर देती है और उससे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी वो अपनी कार में वापस आकर बैठती है और उसकी कार के साइड मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा रहता है जो कि इन्फेक्टेड था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती क्योंकि वो बच्चा था। फिर अगले सीन में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम बेनिन और बेंजिन होता है। वो दोनों एक जंगल से गुजर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एक औरत और एक बच्ची साथ में दिखाई देती है। तभी वो दोनों अपनी कार से उतर जाते हैं और बेंजिन उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि वो औरत उसको जानी पहचानी लग रही थी और वो भी जॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गई थी। तभी उसको एक अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वो आने वाली आवाज की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और दूसरी तरफ बेनिन देखता है कि वहाँ दो लोगों में से एक औरत गायब हो गई है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इस वजह से वो बेंजिन को आवाज देने लगता है। दूसरी तरफ बेंजिन पीछे मुड़कर देखता है तो उस पर एक जॉम्बी अटैक कर देती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ आते हैं और दोनों कार में बैठकर उनसे दूर भाग जाते हैं। उसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसने जॉम्बी से इन्फेक्टेड होने के कारण अपनी वाइफ को मार दिया था और तभी बहुत सारे जॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन डैचर नाम का लड़का उसे वहाँ कर बचा लेता है और जॉम्बी इसको मारता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी भी इन्फेक्टेड हो गया था क्योंकि उसकी बीवी ने उसे काट लिया था। अगले सीन में हम बेंजिन को देखते हैं जो कि बेनिन के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है क्योंकि वो भी जॉम्बी के अटैक से इन्फेक्टेड हो गया था और तभी उसकी मौत हो जाती है जिसकी वजह से बेनिन बहुत दुखी होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं सार्लिन नाम की लड़की जो पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और वहां से फ्यूल भरने लगती है, लेकिन तभी वहां पर थेरिस और पॉलिन भी आ जाते हैं और उसे शांति से अपनी बॉडी पर कटने के निशान को चेक कराने बोलते हैं और चेक करने के बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। फिर हम बेनिन को देखते हैं जहाँ वो एक हंट कैंप पर पहुँचता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उससे बेंजिन के बारे में पूछता है। तभी वो उसे बेंजिन की इन्फेक्टेड बॉडी दिखाता है। फिर वो एक जगह पर बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन बेनिन अपने दोस्त के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है। तभी उसे बूढ़ा आदमी एक तान्या नाम की लड़की के बारे में बताता है जिसे उस बूढ़े आदमी ने वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। तभी बेनिन उसके पास जाता है और उससे बात करता है तो वो बेनिन को बताती है कि मुझे किसी जॉम्बी ने नहीं सिर्फ एक कुत्ते ने काटा था। तभी बाहर से आवाज आती है जो आवाज जॉम्बी के अटैक करने की होती है। दरअसल उस बूढ़े आदमी पर जॉम्बी ने अटैक कर दिया था। तभी तान्या के हाथ की रस्सी को काट कर बेनिन उसे बाहर ले आता है और तान्या को कार में बैठने के लिए बोलता है। उन दोनों को कार में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब कुछ शांत है, लेकिन तभी जॉम्बी उनकी कार पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बेनिन कार को चलाकर जल्दी से हटा देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी अब जॉम्बी बन जाता है जो कि तान्या के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तान्या अपनी गन की मदद से उसकी गर्दन को उड़ा देती है जिससे कि वो मर जाता है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हम वापस से उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे पहले दिखाया गया था। वो डैचर से बात कर रहा होता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके इन्फेक्टेड होने के बाद वो उसे काट लेती है जिससे उसे उसको मारना पड़ता है। और डैचर भी अपने परिवार को इसी वजह से मार कर आया था और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं दूसरी तरफ बेनिन एक फार्म में पहुंचता है जहाँ तान्या एक घर में जाती है ताकि वो खाने पीने के लिए थोड़ा सामान इकट्ठा कर सके, लेकिन तभी उसे एक कमरे में से आवाज सुनाई देती है। तभी तान्या कमरे की तरफ अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जाने लगती है। जब वो गेट को खोलती है तो उसे वहाँ छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम जूही था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तान्या उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर वो तीनों साथ मिलकर एक कार में वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बेनिन सो रहा होता है और तान्या फ्रेश होने के लिए बाहर
बाहर जाती है। तभी उसको अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन घूम कर वो वापस जॉम्बीज के पास पहुँच जाती है। तभी एक जॉम्बी उसे काटने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही बेनिन वहाँ पहुँच जाता है और उस जॉम्बी को मार देता है। फिर वो दोनों वापस से कार में आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि डैचर जोही का कजन होता है, जिसे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचा। फिर हम बेनिन को देखते हैं जो अपनी कार से निकलता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं और वो अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। तभी वो उस जगह पर पहुँच कर देखता है कि जॉम्बीज वहाँ पर चीजों को ला ला कर इकट्ठा कर रहे थे और उसे ये देख कर बहुत अजीब लगता है। तभी एक जॉम्बी बेनिन को वहाँ देखते हुए देख लेता है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, जिससे कि सारे जॉम्बीज बेनिन के पीछे पड़ जाते हैं और बेनिन जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठता है और उनके वहाँ पहुँचने से पहले अपनी कार को लेकर भाग जाता है। तभी वो तीनों कार लेकर थेरिस और पॉलिन के पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, जिन्हें बेनिन पहले से ही जानता था, और वो उन्हें बताता है कि मैंने वहाँ एक बहुत ही अजीब चीज देखी जिसे देख कर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी थेरिस उसे बताती है कि हमारे पास रुकने के लिए और कोई जगह नहीं है। तभी तान्या बताती है कि हमें शहर जाना चाहिए क्योंकि सरकार पहले शहर के लोगों को बचाएगी। तान्या उनको एक जगह के बारे में बताती है जहां पर बाकी के सर्वाइवर छुपे हुए थे। नेक्स्ट डे सार्लिन तान्या के हाथ में वही कटने का निशान देख लेती है। इसके बाद वहाँ थेरिस आती है और कहती है कि बाहर से बहुत ही अजीब आवाज आ रही है। तभी बेनिन उसके साथ बंदूक लेकर बाहर जाता है और देखता है कि उस पेट्रोल पंप की तरफ बहुत सारे जॉम्बी आ रहे हैं। तभी वो घर के अंदर जाता है और सबको जल्दी से बैग पैक करने के लिए बोलता है और सबको वहाँ से भाग निकलने के लिए कहता है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही सारे जॉम्बी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब जॉम्बी से बचने के लिए एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक जॉम्बी आकर तान्या के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सार्लिन आकर उस जॉम्बी को वहीं पर मार देती है और एक और जॉम्बी फिर से उस पर अटैक करता है और सार्लिन उसे भी मार देती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन सार्लिन उन्हें एक एक करके मारने लगती है और बेनिन भी उसकी मदद करता है और फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसके साथ डैचर भी होता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कि वो जोही को जानता ही नहीं हो और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। लेकिन सब साथ मिलकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉम्बी सामान लाकर इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी सार्लिन को एक जॉम्बी वहाँ देख लेता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो शांत बैठा रहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थेरिस सबको खाने के लिए देती है और एक एक करके सब खाना लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद डैचर और जोही बैठ जाते हैं और तभी जोही उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है। पहले वो उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वो बताता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तभी डैचर को याद आता है कि वो बूढ़ा आदमी तो पीछे छूट गया और डैचर उसे ढूंढने के लिए वापस पीछे जाता है और उसके पीछे सार्लिन भी चली जाती है। दूसरी ओर सारे लोग केबिन में छुपे होते हैं जहाँ पर थेरिस को एक लेटर मिलता है। उसके अंदर लिखा था कि जो भी इस लेटर को पढ़ेगा वो शहर की तरफ बिल्कुल भी न जाए क्योंकि वहाँ पर हालत बहुत ही खराब है। तान्या इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो गेट खोलकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ डैचर उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है और तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। और तभी उसकी आवाज सार्लिन भी सुन लेती है और वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करती है और बूढ़े आदमी को बुरी तरह से मार देती है। तभी सार्लिन अपनी फैमिली की फोटो डैचर को दिखाती है और बताती है कि उसकी माँ सबसे स्ट्रांग लेडी थी, लेकिन इस वायरस की वजह से सब कुछ खत्म हो गया और उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से वो गम में उसको मार देती है और गन लेकर वहाँ से वापस आ जाती है और वापस आकर अपने चेहरे को साफ करने लग जाती है। इसके बाद हम थेरिस को देखते हैं जो कि सब लोगों के साथ साथ एक बंद जगह पर पहुँचती है जहाँ पॉलिन थेरिस से कहती है कि अब हम एक नई दुनिया में हैं जहाँ हम में से किसी एक को मरना होगा। इसके बाद पॉलिन ये कहती है कि सुबह होते ही हमें उस जगह के लिए निकल जाना चाहिए। उसके बाद सभी लोग उसी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर जॉम्बियों ने सामान इकट्ठा कर रखा था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक होता है जिसकी वजह से उनको वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तभी सार्लिन की नजर एक लेडी जॉम्बी पर पड़ती है, लेकिन जब उसके पीछे पीछे सारे लोग आने लगते हैं
तो वो देखती है कि वो जॉम्बी एक डॉल को लेकर बैठी होती है जिसे वो सहला रही होती है, जिसे देखकर वो सब लोगों को वहां आने से रोक देती है और उसे बिना कुछ करे आगे बढ़ती है। तभी सारलिन वहां बैठ जाती है और वो सब लोग देखते हैं कि जॉम्बीज ने वहां पर बहुत बड़ा एक कुर्सी का ढेर इकट्ठा कर दिया है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होते हैं। तभी इतनी देर में चारों तरफ से जॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहां बैठी लेडी जॉम्बी को सारलिन मार देती है। तभी सारे जॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं, जहां ओल्ड औरत कमजोर होने की वजह से वहां से भाग नहीं पाती। तभी बैनिन जोही को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सारलिन वहीं रहकर जॉम्बीज का सामना कर रही होती है। तभी बैनिन जोही को तानिया के हाथों सौंप देता है और कहता है कि तुम दोनों कहीं जाकर छुप जाओ और मैं जॉम्बीज का सामना करने जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि तानिया जोही से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर छुप जाओ और तुम हम सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इस वजह से तुम्हें सामना करना चाहिए। तभी तान्या भी जूही को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारलिन को जॉम्बीज ने घेर लिया होता है। दूसरी तरफ जूही के पास एक जॉम्बी आ जाता है और वो जूही पर अटैक ही करने वाला होता है। तभी तान्या की आवाज सुनकर जॉम्बी उसकी तरफ चला जाता है, जिससे कि जूही बच जाती है और वहां से घर की तरफ निकल जाती है। जब वो घर में जाती है तो उसे उस घर में बहुत सारी लाशें दिखाई देती है, जिसे देखकर जूही बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ उसे बैनिन दिखाई देता है, जो कि कुर्सी पर बैठकर खुद को शूट करने जा रहा होता है। लेकिन जब वो जूही को देखता है तो रुक जाता है और उससे पूछता है कि तान्या कहाँ है। तभी जूही उससे बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो मुझे गुफा में छोड़कर वहां से चली गई थी। तभी बैनिन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर वो हंसकर उसे एक जोक सुनाने लगता है, जिसके बाद बैनिन खुद को गन से शूट कर लेता है। उसके बाद जूही गन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। जूही तान्या को हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे तान्या नहीं मिलती। लेकिन तभी उसको एक खेत में तान्या का हारमोनियम मिलता है, जिसे वो अपने गले में टांग कर वहां से आगे बढ़ती है। ऐसे ही वो जंगल के रास्ते होते एक सड़क तक पहुंच जाती है और वहां पर वो किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी हमें उस रोड से आता हुआ वही रेसर दिखाई देता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखा था, और वो जॉम्बी से अभी तक बचा हुआ था। तभी वो जूही को देखता है और उसके पास आता है। तभी जूही उसे बोलती है कि तुम्हारा आगे जाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे जॉम्बीज हैं। तभी वो रेसर उसे थैंक्स बोलता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने साथ ले जाता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।